दोस्तों आज ऐसा हैवी नाश्ता करने में वाकई में मजा आ गया। जो ओरिजिनल हैवी देसी नाश्ता होता है ना वो मिल गया आज हमें। अच्छा तुमने इसकी क्या खास बताई थी कि क्या खास बात होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी खास बात ये असली और नस्ली की कि पांचों उंगली आपस में जो है ना बोन की तरह जुड़ जाए, ये असली की पहचान है। अच्छा दोस्तों इस वक्त मौजूद हूँ समनाबाद के एरिए में। आज संडे का दिन है और इस वक्त सुबह के 9:30 बजे तो मुझे फैसल की कॉल आई थी। वो बोल रहा था कि कमाल फौरन ही समनाबाद पहुँचो, तो मैं एक बहुत ही जबरदस्त नाश्ता करवाने वाला हूँ। अभी फैसल तो नहीं आया, मैं इधर पहुँच चुका हूँ, फैसल का वेट करता हूँ, देखते हैं कौन सा नाश्ता करवा रहा है वो। अच्छा दोस्तों फैसल आ चुका है, वो रहा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फैसल क्या हाल है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है फैसल। तुमने मुझे बिल्कुल सुबह सुबह संडे मॉर्निंग को उठा दिया, और तुम्हें पता है कि संडे मॉर्निंग को उठना काफ़ी मुश्किल होता है। कराची में लोग काफ़ी देर से उठते हैं क्योंकि रात को देर तक जागते हैं। तो आखिर इस नाश्ते में ऐसी क्या खास बात है जो तुम करवाने वाले हो? वो नाश्ता बेहतरीन किस्म का है, पाए का नाश्ता, कि संडे वाले दिन पाए का नाश्ता मिल जाए मज़ा आ जाएगा। ठीक है, करवाता हूँ। तो कौन सी जगह है वो मुझे बताओ? ये है वो नाश्ता मज़ेदार हलीम। अच्छा मज़ेदार हलीम पे तो हलीम मिलता है ना, और दूसरे बारबेक्यू वगैरह। संडे वाले दिन मॉर्निंग में ये लोग पाए का नाश्ता करवाते हैं। अच्छा पाए का स्पेशल, और ये संडे को ही होता है? बिल्कुल संडे वाले दिन ही होता है। अच्छा ये मुझे नहीं पता था, चलो अंदर चलते हैं। चलो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये समनाबाद रोड है और यहाँ पे मजेदार हलीम की सबसे पुरानी वाली ब्रांच मौजूद है, और उसी पर हम आए हैं। खास तौर पर फैसल ने मुझे बताया कि यहाँ पे संडे मॉर्निंग पे स्पेशल नाश्ता मिलता है। मैं उससे पूछना चाहूंगा ये समनाबाद वाली ब्रांच पर ही होता है या दूसरी ब्रांच पे भी होता है? नहीं ये समनाबाद वाली ब्रांच भी होता है, ये सबसे बड़ी ब्रांच है इनकी, पहली ब्रांच। अच्छा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त सुबह के 9 बजे, लेकिन इस वक्त सुबह के 9 बजे रेस्टोरेंट में कितना ज्यादा रश मिल रहा है। पूरे जो वर्कर है वो सारे काम पे लगे हुए, इतने सारे फुल वर्किंग शर्किंग हो रही है यहाँ पर। बेहतरीन किस्म का नाश्ता मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी किसी ने ट्राई करवाया था, मैंने फिर सोचा कि मैं तुम्हें ट्राई कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यार ये नाश्ता जो आप करवाते हैं पाए वाला, ये आपकी समनाबाद वाली ब्रांच पर ही होता है या कहीं दूसरी ब्रांच में भी है? अच्छा दूसरे वाली ब्रांच। और इसकी प्राइस क्या है एक प्लेट की? 400 रुपये की यहाँ पर प्लेट है पाए की, जो कि नाश्ते में आप कर सकते हैं। अच्छा टाइमिंग क्या है इसकी? 7 बजे से लेके कब तक? ठीक है मतलब दोपहर तक अवेलेबल रहता है यहाँ पर नाश्ता सुबह 7 बजे से लेकर। अच्छा फैसल मैंने अभी काउंटर पे पूछा है, वो बोल रहे हैं दूसरी ब्रांच में भी मिलता है। अच्छा मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने तो यही का सुना था। लोग अगर दूसरी ब्रांच में भी जाना चाहे तो वो भी जाके यहाँ के पाए का नाश्ता कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों मैं यहाँ पर मजेदार हलीम के किचन एरिया में आ चुका हूँ, और काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है, और काफ़ी बड़े बड़े पतीले जो कि पाए के तैयार किए जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश है लोगों का, प्लेटें भर भर के इधर से जा रही है, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। अच्छा कमाल यहाँ की खास बात मैं ये बता रहा हूँ कि पतीले पे पतीला नाश्ता एक पाए का आता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक पतीले मतलब ख़त्म हुआ तो उसके बाद पाया नहीं मिलेगा, इनके पास क्वांटिटी में है। अच्छा ये देखो पाए यहाँ पर पोंग वाले पाए, और कौन कौन से पाए हैं ये? बीफ पाए सर। बीफ पाए फुल नली वाले, फुल पोंग वाले पाए यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताओ कि सुबह सुबह पाए खिला रहे हो संडे मॉर्निंग में, तो ये किस टाइम से शुरू करते हो? सर ये रात भर पकते हैं, सुबह 7 बजे जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं तैयार खाने के लिए। अच्छा रात भर पकाते हो आप? जी रात भर पकाते हैं, सुबह 7 बजे से लेके दोपहर तक जो है आपको मिल जाएंगे। अच्छा मतलब ये कंटिन्यू दोपहर तक चलता रहता है? जी कंटिन्यू संडे को। अच्छा बस सिर्फ संडे को मिलता है? जी सिर्फ संडे को। अच्छा फैसल तुमने हर जगह पाए तो खाए होंगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि एक स्पेशल पाए में क्या खास बात होनी चाहिए? स्पेशल पाया कोई भी हो, नस्ली और असली का पहचान ये कि उंगलियां आपस में जोड़ जाएं। अच्छा हाँ। मतलब गोद की तरह? बिल्कुल। अच्छा फैसल तुम्हें इधर आओ एक सीट निकाल, ये देखो कितने बड़े पतीले में यहाँ पर ये सारे पाए पार्सल देने वालों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मतलब जो हमने पहले जो पतीले देखा था वो उधर प्लेटों में सर्व किया जा रहा है, जो ऊपर जो सिटिंग एरिया जेंट्स का भी और फैमिली का भी उसमें जा रहा था, और यहाँ पे जितने भी होम डिलीवरी मंगवा रहे हैं पार्सल के इंतजाम में ये उधर जा रहा है सारा पाया। फैसल फैसल वो देखो देग में भर के आ रहे हैं पाए। अच्छा फैसल ये देगे आ रही है, मतलब खोल के दिखाऊँ इसके अंदर क्या देग में? देखो इस देग में भी पाया मौजूद है, ठीक है इस देग में भी पाया मौजूद है, और इस देग में भी पाया मौजूद है, और जो दो बड़े पतीले यहाँ पे पड़े हुए एक वो और एक वो, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर पाए तैयार किए जा रहे हैं, जबरदस्त है यार। और मैं एक और बात बताऊँ कि मज़ेदार हलीम की इस ब्रांच पे आपको सुबह मॉर्निंग में पाए के साथ साथ
हलीम भी मिलता है, उसके अलावा बिरयानी भी मिलती है और साथ में निहारी भी मिलती है, मतलब जितने भी नाश्ते के आइटम है वो मिलते हैं। उसके बाद उसके अलावा जो फास्ट फूड है और दीगर आइटम है वो आपको मिलेंगे 12 बजे के बाद। अच्छा कमाल, एक खास बात और बताता हूँ, यहाँ बड़े बड़े सीन देख रहा हूँ मैं यार, पाए तो बड़े बड़े पतीलों में देख लिए, लेकिन मैं पीछे तुम्हारे बोल रहा हूँ कि वो देखो कितने बड़े पतीले में चाय बना रहे हैं यार, ज़बरदस्त। अच्छा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने बड़े पतीले में चाय की मेकिंग करी जा रही है, ये कोई एक या दो कप के लिए पूरे किलो के हिसाब से यहाँ पर चाय तैयार की जा रही है। यार इसको चाय कोई बनने में कितनी देर लगती होगी? अच्छा 10-15 मिनट में पूरे इतने बड़े पतीले की चाय तैयार हो जाती है, ज़बरदस्त। कमाल, इतने बड़े पतीले में दूध कितना गया होगा यार? वो मैं पूछता हूँ, ये कितने किलो की दूध आपने डाला है इसमें? अच्छा 12 किलो दूध की यहाँ पर ये चाय तैयार की जा रही है, ज़बरदस्त। और कितने लोग इधर होंगे जो कि ऊपर बैठे हुए वेट कर रहे हैं चाय का? अच्छा कमाल, कितनी क्वांटिटी में चाय जा रही है? देखो कराची वाले चाय के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा वैसे हम ऊपर आ गए, इनके सिटिंग एरिया में तुमने ऑर्डर दे दिया? हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया, पाया आने वाला होगा। और ये अभी क्या आ गए? ये इनके लवाजमात हैं, ये सारे पाए के साथ भी होते हैं और हलीम के साथ भी होते हैं। अच्छा हलीम वाले लवाजमात पाए के साथ भी मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप खाना चाहते हैं मिलेगा। बस फिर सफर नहीं हो रहा, तुम पहले टेस्ट करना, क्योंकि तुमने रिव्यू करना होता है, तो तुम पहले टेस्ट करना और फिर मुझे इसका जायका बताना कैसा रहा। सही। अच्छा कमाल देखो नाश्ता तुम्हारा आ गया है यार, गर्मा गर्म सा नाश्ता पाए का और साथ में तंदूरी रोटी का, जबरदस्त। लुक देख सकते हैं आप इसकी, खासतौर पे जो पाए की स्पेशल खून वाली बोटी होती है वो इन्होंने ऐड करी है, साथ में नली ऐड करी है, तो देखते हैं ये टेस्ट में कैसे। फैसला तुम क्या बोलते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम टेस्ट करो, कि काफ़ी तुम जायके खाने को टेस्ट करते हो, तो इसको भी टेस्ट करके बताओ कि वाकई ज़बरदस्त नाश्ता है कि नहीं है आज का। अच्छा इन्होंने इतने सारे स्पाइसेस भी हमें दिए हैं, लेकिन मैं बिना ऐड करे सिर्फ पाए का ही टेस्ट करना चाहूँगा कि कैसा है। अच्छा तुमने इसकी क्या खास बताई थी कि क्या खास बात होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी खास बात ये असली और नस्ली की, कि पांचों उंगली आपस में जो है ना गोंद की तरह जुड़ जाएं, ये असली की पहचान है। फैसल तुम सही बोल रहे थे कि जो मज़ेदार किस्म का जो पाया होता है ना वो मिल रहा है, और बाकी में ये जो मैं जितनी जगह भी पाए टेस्ट करें ये उसके काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है। मेरी उंगलियां तुम देखो कितना अच्छे तरीके से चिपक रही है आपस में, तो बाकी में बहुत अच्छा पाया, मतलब असली है ना नस्ली भी है, असली नस्ली हाई क्वालिटी पाया। दोस्तों आज ऐसा हैवी नाश्ता करने में वाकई में मज़ा आ गया, जो ओरिजिनल हैवी देसी नाश्ता होता है ना वो मिल गया आज हमें। फैसल मज़ा आ गया मुझे तो। चलो फैसल अब तुम भी आ जाओ, व्यूअर्स को हम बाय बोल देते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।